और अब हम जब कापर को SHE के साथ ऐड करेंगे तो कापर यहाँ पर एनोड बन जाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। SHE कैथोड बन जाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। और अब इसके बाद में जब सेल पोटेंशियल निकलेगा तो वो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, कैथोड पोटेंशियल माने एनोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमको क्या मिलेगा, कैथोड पोटेंशियल आपका होगा, कैथोड यहाँ पर आपका होगा और एनोड पोटेंशियल होगा, दोनों को हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। देखिए क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, कापर स्ट्रिप इमर्स्ड इन 1.0 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कापर सल्फेट, कापर को कापर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका हार्डवेयर इलेक्ट्रोड है, और फिर आपका वायर है शार्ट ब्रिज, इसको लगाएंगे सर्किट कंप्लीट करेंगे। यहाँ एक मिस्टेक होगी बोलते समय हमको, कापर की रिएक्टिविटी हार्डन की कंपेरिजन में यहाँ पर क्या है देख लीजिए, आपको सेल से पता लग जाएगा कम है। ठीक है, तो कापर की जो रिएक्टिविटी कम है इसलिए कापर यहाँ पर कैथोड होगा, हार्डन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ये आपका एनोड होगा, इस प्रकार से बनेगा। और इन दोनों कनेक्ट करने के बाद में आपको सेल पोटेंशियल मिलेगा 0.337, जिसको सिंपली लिखते हैं 0.34 वोल्ट मिलता है। अब सेल पोटेंशियल आपके पास हो गया सेल पोटेंशियल हो गया 0.337 वोल्ट, और कैथोड पोटेंशियल आपको पता नहीं है, कैथोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एनोड पोटेंशियल आपका कितना है 0.00 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, तो किसमें माइनस करना है 0.00 वोल्ट को माइनस करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी, जो आपका कापर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकलेगा वो होगा पॉजिटिव वैल्यू प्लस 0.337, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 0.34 वोल्ट। इस प्रकार से रिएक्शन होगा इसका, एनोड का रिएक्शन होगा, यहाँ पर एनोड हार्डन होगा क्योंकि हार्डन की रिएक्टिविटी कापर से ज़्यादा होती है, मैंने बाय मिस्टेक ऊपर उल्टा बोल दिया है, और कापर का जो है रिएक्टिविटी कम है तो ये कैथोड बनेगा, और सेल पोटेंशियल आपको यहाँ पर मिल रहा है आपका प्लस 0.337। इन दिस सेल SHE इज द एनोड, SHE एनोड है क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी जो है कापर से ज़्यादा होती है, इसलिए कापर आयंस गेट ऑक्सीडाइज, कापर आयंस ऑक्सीडाइज H2 to H+, और कापर यहाँ पर कैथोड होगा, कापर आयंस आर रिड्यूस टू कापर। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रोड दैट फोर्स द SHE टू एक्ट एज एनोड आर असाइंड पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे सभी इलेक्ट्रोड जो जिनके साथ में SHE को जोड़ने पर SHE जैसे एनोड बन जाता है, उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है। जैसे कापर के केस में जब कापर को SHE के साथ ऐड करते हैं तो SHE हमारा एनोड बनता है, इसलिए कापर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। और ऐसे इलेक्ट्रोड जो SHE को फोर्स करते हैं कैथोड की तरह से बिहेव करने के लिए, उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे जिंक के केस में जब जिंक के साथ में SHE को ऐड करते हैं तो SHE कैथोड बन जाता है, इसीलिए जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो नेगेटिव आता है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेल अस द टेंडेंसी ऑफ हाफ सेल्स टू अकर एज रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल हाफ सेल्स ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उस मेटल का रेडिएशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा, उस मेटल की मेटेलिक रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उस मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का नेगेटिव वैल्यू, उसकी रेडिएशन पावर उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। आप ऐसे कह सकते हैं मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड मोर विल बी इट्स रिड्यूसिंग पावर। दूसरी तरफ कह सकते हैं मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड
विल शो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यहाँ लिखा गया द लार्ज नेगेटिव वैल्यू टेल अस दैट दिस रिएक्शन विल अकर्स ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। ये नेगेटिव वैल्यू बताता है कि पोटेशियम आयन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और एक्सट्रीम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह से काम करता है करेगा, इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं पोटेशियम हाफ रिएक्शंस का और फ्लोरीन हाफ रिएक्शन का। तो फ्लोरीन हाफ रिएक्शन में आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही, पॉजिटिव आ रही। तो जिन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू डिनोट दैट दिस रिएक्शन अकर्स रीडली एज रिटन। जिसकी जितना पॉजिटिव वैल्यू होगी वो बताएगा उतनी आसानी से रिडक्शन रिएक्शन को करेगा, और जिसका जितना आसानी से रिडक्शन होता है वो उतना ही स्ट्रांग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिनोट दैट द रिएक्शन टेंड टू अकर टू राइट। जिसका पॉजिटिव वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रोड राइट साइड में होते हैं, जिनका नेगेटिव वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में होते हैं। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो कैथोड की तरह से काम करते हैं, जिनकी नेगेटिव है वो एनोड की तरह से काम करते हैं। इट इज़ द अपोजिट ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर है यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, नेक्स्ट देखेंगे यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू प्रिडिक्ट वेदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस विल अकर्स स्पॉन्टेनियसली। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप नेक्स्ट में देखेंगे। पहले ये देख लीजिए, अगर किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो दो जो सेल्स फॉर विच द सेल पोटेंशियल वैल्यू इज पॉजिटिव इन दैट रिडॉक्स रिएक्शंस आर पॉसिबल एंड स्पॉन्टेनियस, और ऐसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर इस सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो ओवरऑल रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब उस एग्जांपल को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं। Will silver ion oxidize metallic zinc to zinc ion, or zinc ion oxidize metallic silver to silver ion? तो यहाँ वैसे भी क्लियर है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होता है, जिंक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब हो गया जिंक आयन का ऑक्सीडेशन होगा, मेटेलिक जिंक विल ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो होते हैं उनकी मेटेलिक रिएक्टिविटी कम है। रिएक्शंस को आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमने इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब भी हम किसी स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट से किसी इंटीग्रल से किसी हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल को भी मल्टीप्लाई किया जाए। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो होगा वो एनोड की तरह से काम करेगा, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है, और सिल्वर जो होगा वो कैथोड तरह से काम करेगा क्योंकि वो उसकी मेटेलिक एक्टिविटी कम है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड प्रोडक्शन होता है इसलिए इसका रिडक्शन होगा। ओवरऑल रिडक्शन जब करेंगे तो ये इसका सेल पोटेंशियल निकलेगा +1.5662 वोल्ट। एक और एग्जांपल है ऐसे ही कि विल पर मैग्नेट आयन ऑक्सीडाइज आयरन थर्ड टू आयरन सेकंड, सॉरी आयरन सेकंड टू आयरन थर्ड, और विल आयरन थर्ड आयन ऑक्सीडाइज मैग्नीज सेकंड आयन टू पर मैग्नेट आयन इन एच डी सोल्यूशन। तो इसका भी यहाँ पर जो मैं बोल रहा था वही पॉइंट दिया है। द ई नॉट वैल्यू आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय एनी स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स इन दिस प्रोसीजर। जब भी हम इसमें ये पता करते हैं कि कौन सा
कौन एलिमेंट किसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, तो इसमें उनके स्टैंडर्डाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू को